पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव में आज हम बात करेंगे महाभारत 2024 की। मोदी नीतीश चिराग के 40 में से 40 वाले दावे पर तेजस्वी राहुल सहनी की ठिकरी ने क्या लगा दिया है ब्रेक। हम आज बाबा से जानेंगे जो ये जो इधर की ठिकरी और उधर की ठिकरी, उधर की टिकरी के दावों पर क्या इधर की टिकरी ने लगा दिया है ब्रेक, और किस तरह से लगाया है, कहाँ लगाया है। और हम बाबा से समझेंगे जो आखिर बाबा ये कहने का तात्पर्य क्या है, जो क्या राहुल गांधी, तेजस्वी और सहनी ने एनडीए के जो 40 के 40 दावे थे, 40 हम जीतेंगे जी। क्या वो 40 जीतने नहीं जा रही है क्या, ये हम बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जब ये चुनाव की शुरुआत भी नहीं हुई थी तब तक बिहार में बहुत तेज़ी के साथ तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के नीतीश कुमार ने जो एक अभियान शुरू किया था, उस अभियान का पहला स्टेज था सभी दलों को, गैर भाजपाई और भाजपा सहित सभी दलों को एक साथ जोड़ करके और जातीय गणना करवाना। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नकारना, नीतीश कुमार का अपने दम पर कराने का वादा करना, जनता से बताना और करा करके उसका रिजल्ट भी लोगों तक पब्लिक डाल देना, ये सारी चीजें हुई। लेकिन वो किताब क्या पत्रकार हैं, आपको मिला क्या? नहीं मिला। पहला बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने कोई ऐसा सर्वे कराया हो, डाटा हो, और डाटा सरकार के पास ही हो। हम लोगों ने फोटो खींच खींच करके वो डाटा लाया था, अभी भी हमारे पास ये उसी फॉर्म में मौजूद है। आंकड़ा आया और सरकार ने ये बताने का कोशिश किया कि ये हमारे पास आंकड़ा है। इस आंकड़े पर आप देखिएगा कि सरकार के आंकड़े के साथ साथ यहाँ बगल में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जिस पर हम लोगों ने पूरा शोध किया था और इस पर एक एक पॉइंट पर, यहाँ तक कि इसके साथ साथ रोहिणी कमीशन का, जो रोहिणी आयोग का जो आंकड़ा आया था उसको लेकर, आंकड़ा नहीं सार्वजनिक तो किया ही नहीं गया है, जो उसको सौंपी गई थी उसकी रिपोर्ट, उसको लेकर के भी नमन जी ने बहुत लंबा विस्तृत चर्चा किया था, जिस चर्चा के बाद कई बुद्धिजीवियों ने, कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संपर्क करके और कहा था कि नहीं, आपने बिल्कुल ही सही किया है। लेकिन इन आंकड़ों ने विवाद कहाँ खड़ा किया, सबसे पहली बात वो है, इन आंकड़ों ने जातियों से बात की थी, सभी जातियों के नेता। नमन जी बता रहे हैं जिस तरह की बातें हैं, और यहाँ यही नहीं, हर जाति के नेताओं को बुला करके, जैसे कि नमन जी ने अभी तुरंत बताया है कि हर जाति के नेताओं को बुला करके हमने ये जानने की कोशिश की थी, चाहे वो पिछड़ा समाज के हों, अति पिछड़ा हों, अनुसूचित जाति हों, अनुसूचित जनजाति हों, या सामान्य जाति के लोग। लेकिन गन्ना से कोई भी जाति के नेता या कोई भी जाति के लोग खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। मैं वहीं आ रहा था कि ये आंकड़े तो सार्वजनिक कर दिए गए, ये आंकड़े तो पब्लिक डोमेन में आ गए, चाहे वो फोटो खींच करके आ गए हों या कहीं से हम लोग उपलब्ध करके पब्लिक डोमेन में लाए हों। लेकिन इस आंकड़ों के आने के बाद एक बात साफ साफ नजर आने लगी कि जनसंख्या के आधार पर हम कितने हैं, क्या हैं, और हमारी उपलब्धता चुनावी रूप में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कितनी है। इन आंकड़ों के लाने का मतलब ये नहीं था कि इन लोगों तक रोजगार इनको दिया जाए, इनको बुला करके कि बाहर कितने लोग हैं, ये बुला करके इनको कहा जाए काहे भाई बाहर में है, आप आइए बिहार, यहीं आप रोजगार देंगे, इसके लिए नहीं था। ये आंकड़ा था कि अपनी अपनी ताकत दिखाने का, ये आंकड़ा था कि अपनी ताकत दिखा करके हम कहाँ हैं, कितना प्रतिशत हैं और वोटों को कैसे अपने पक्ष में ला सकते हैं, अपनी ताकत दिखाने का ये एक आंकड़ा था। चलिए इस आंकड़े पर हम बात करते हैं। अब आंकड़ों को तो आपने समझ लिया, आपको यह भी समझ में आ गया कि इसमें अलग अलग जातियां जो थी, 27% ओबीसी था, ईबीसी 36%, 15.5% सवर्ण थे और 20-22% तक SC ST थे। इसको आप यहीं रखिएगा तो आपको आगे की कहानी समझने में बहुत अच्छा लगेगा। हम बार बार ये कह रहे हैं कि महाभारत 2024 में हम उन चीज़ों को बता रहे हैं जो आने वाले 4 तारीख को कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करने वाली हैं। उनमें से सबसे पहली बात है कि जो 40 में 40 का दावा नीतीश कुमार के आने के बाद और नीतीश कुमार के आने से पहले दोनों ही परिस्थिति में NDA जो कर रही थी, उसके पीछे का इनसाइड स्टोरी क्या है। तो उस इनसाइड स्टोरी को आप समझने के लिए दो बातें आपको समझनी पड़ेगी, जिसके आंकड़े सोशल मीडिया पर उपलब्ध भी हैं और उसको लोग लगातार शोध का कारण भी बनाए हुए हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि जो ये आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं 2011 में, जो आंकड़े लिए गए थे, जातीय गणना हुई, जनगणना हुई थी, उस गणना का रिपोर्ट सर्वे नहीं हुआ, लेकिन उसके आधार पर एक परसेप्शन बनाया गया कि कौन सी जाति कितने परसेंट है। इन्हीं सब बातों को लेकर के जो 1999 से लेकर के
2019 तक के हमारे पास जो आंकड़े हैं, जिस तरह से मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो जातीय गणना का आंकड़ा था, नमन जी से मेरी बहुत इस पर लंबी बहस हुई है, इस पूरे विषय पर हम लोगों ने माने इसका एक एक जो होता है ना पर्चा पर्चा खोल करके लोगों को समझाने की कोशिश किया है। ये आंकड़े विशुद्ध रूप से राजनीतिक लाभ अपनी अपना कद अपना वर्चस्व दिखाने के लिए था। आज भी आप इस आंकड़े के हिसाब से कहते हैं कि इसमें से 27.12% जो ओबीसी हैं, इसमें 14% यादव हैं। इसमें देखिए इस आंकड़े में यह भी लिखा हुआ है कि हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, ईसाई कितने हैं, सिख कितने हैं, बौद्ध कितने हैं, जैन कितने हैं, अन्य कितने हैं। इसके साथ साथ अलग अलग जातियों का भी यहाँ आंकड़ा दिया हुआ है। और इसके बगल में आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा आंकड़ा हमारा जो है, इससे पहले का 1931 का आंकड़ा हम रखे हैं, 1911 का, 2011 का आंकड़ा हम लोगों ने रखा है। सारी चीज़ों को जोड़ घटाव करके जब हमने देखा तो हमें यही पता चला कि ताकत दिखाने का ये सबसे बड़ा नुस्खा था। और सबसे बड़ी बात कि जो क्षेत्रीय दल थे वो धीरे धीरे डिटोरिएट कर रहे थे। क्षेत्रीय दलों को या तो कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 से पूरे अस्तित्व में आई है, तब से लगातार क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होता नजर आया था। आपको याद होगा कि एक सिंपल सा बात जो कि उसी फॉर्म में कहा गया था आंकड़ों के आधार पर जेपी नड्डा के द्वारा इसी पटना की धरती पर, कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं या तो विलुप्त हो जाएंगी या विलय कर जाएंगी, जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने उसे बनाया था मुद्दा, और मुद्दा बना करके वो एनडीए छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके महागठबंधन की तरफ शिफ्ट किए थे। अब इन आंकड़ों पर अब गौर कीजिए आप, तो 1999 का आंकड़ा हम उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इन ओबीसी वोटरों का 23% हिस्सा प्राप्त था। कौन से साल? 1999 में बीजेपी को इसका 23% प्राप्त था इन ओबीसी। ओबीसी में आप समझ लीजिए कि ओबीसी का मतलब वो गैर यादव जाति हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि यादव जाति को जो वोट आ रहा था वो कांग्रेस के हिस्से में 24% था, और अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं उनके पाले में 41% था। ये वो दौर है जब लालू प्रसाद का पदार्पण हो चुका था, सामाजिक न्याय की बातें चर्चाएं शुरू हो चुकी थी, और लालू प्रसाद यहां से अपना जो बेहतर प्रदर्शन, इससे पहले का भी आंकड़ा है लेकिन मैं 1999 का आंकड़ा इसलिए लेकर के आया हूं कि 90 में लालू प्रसाद आए, सामाजिक न्याय की बात की, दूसरे चरण में जब हुआ है 1995 में, उसके बाद से ये पूरी कहानी शुरू हुई। और 41% क्षेत्रीय दल जो हैं वो इस वोट का हिस्सेदारी अपने पक्ष में रखते थे। इसके अलावे 2004 की बात करें, 23% वही सेम जो था 1999 में उसी को रिपीट कर लीजिए, और 23% जो बीजेपी को वोट जा रहा था, 24% यथास्थिति था, लेकिन यहाँ जो क्षेत्रीय दल हैं उनका 43% वोट बढ़ा था। इसमें अन्य भी हैं जो निर्दलीय वगैरह 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 जो है, उन लोगों की बात मैं कर रहा हूं, तो इनको क्षेत्रीय दलों को 43%, यानी कि ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता चला गया 2004 तक। उसके बाद 2009 में आइए तो ये आंकड़ा घट करके जहां भारतीय जनता पार्टी को 22% हो गया, आपको याद होगा 2009 में किसकी सरकार बनी थी, यूपीए 2 आई थी, 22% यहां आंकड़ा जो है वो आया, और दूसरी तरफ कांग्रेस को यहां 24 का 24 ही रह गया। आपको याद होगा कि बिहार में क्या हुआ था, 42% वोट जो है वो क्षेत्रीय दलों को आया था। ये आंकड़ा इसी आंकड़े के तहत आप देश के आंकड़े को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि देश में भी इसी तरह से आंकड़ा आया था, खास करके बिहार और यूपी जिसकी बात आप करते हैं कि यही केंद्र में सरकार बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है, तो इसी की मैं बात करूं। यहां आ जाइए अब 2014 में, यहां से ट्वीन होता है, यहां से ट्विस्ट होता है, यहां से आप सीधे तौर पे 2014 का आंकड़ा जब देखते हैं तो यहां पर 34% ओबीसी ने सीधे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने का फैसला लिया, और ये घट करके जहां 24% थी वहां 15%, यानी 9% घट करके कांग्रेस जो है एकदम पीछे चली आई। और वहीं अब तक आप समझ लीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा कि अब तक क्षेत्रीय दलों का प्रतिशत नहीं घटा था, तो घाटा कहां था, तो बाकी के शेष जो बचे हुए थे निर्दलीय या अन्य जो दल हैं वो, और इसमें से जो 9% घाटा कांग्रेस का, वो मिलाकर के 34% 2014 में भारतीय जनता पार्टी लाई, जिससे उसने सरकार स्थापित किया, सरकार बनाया। इसके बाद अगर आप 2019 में आते हैं तो और जो है आपको चौंकाने वाले परिणाम मिलेंगे। ये आंकड़ा 10% बढ़ जाता है, यानी कि 44% जो ओबीसी है वो पक्ष में जाता है, किसके, भारतीय जनता पार्टी के, और वहीं 15% अभी भी टिकी हुई है, कौन, कांग्रेस। लेकिन यहां देखिए क्षेत्रीय दलों का सीधे 50% कम हो जाता है, और यही वो समय है जिसको देख करके, जिस आंकड़े को समझ करके नीतीश कुमार ने जातीय गणना कराने का
फैसला किया। इस जातीय गणना से नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार के जो इर्द गिर्द में क्षेत्रीय दल थे, इनको ये समझ में आने लगा था कि हमारा आंकड़ा जो है घट रहा है, हमारा वोट बैंक घट रहा है, तो हमें अपनी जाति को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ अब आप आइए तो इस चीज़ को देखिएगा, तो कई ऐसी जाति हैं, जैसे आप देखिए यादवों की बात करें, ओबीसी में 14% यादव बिहार में हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी आप देखिएगा तो यादवों की संख्या अच्छी खासी है। इन संख्याओं में यूपी में जाटों जो हैं वो हैं और यादव भी हैं, दोनों मिलाकर के उसका एक बड़ा हिस्सा जो बुद्धिजीवी है, जो आगे चाहता है कि भाई जाति पाति से बाहर निकल करके हम काम करें, तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिसके कारण 80 में से आप 70 और 67 सीटें देख रहे हैं। इसके बाद बिहार की बात करें तो यहाँ भी यादव का एक वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट कर रहा है बिहार में भी, जिसके कारण अगर 1% 2% भी वोट काट लेता है तो निश्चित रूप से, क्योंकि हमने आपको याद होगा आपके साथ मैं बातचीत करते हुए मैंने आंकड़ों को बताया था कि 1990 के बाद 30% वोट कभी भी लेकर के नहीं आई है किसी भी चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल, यानी कि यादव और मुस्लिम का जो वोट MOI समीकरण का आया है वो एक साथ कभी भी 30% वोट नहीं आया है 1990 को छोड़ करके। इसके अलावा अगर आगे बढ़ते आप तो महाराष्ट्र में भी मराठा वो भी शिफ्ट हो रहा है। तो दूसरी तरफ दलितों की बात अगर करें तो दलित का भी रुझान हो रहा है। इसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अपर OBC हैं और लोअर OBC हैं उनमें भी एक बड़ा अंतर है। आप उसके अंतर को मैं बहुत पीछे नहीं जाता हूं, 2014 2019 का समझाने का कोशिश करता हूं। तो अपर और लोअर में आप समझ लीजिए कि अपर में 30% लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो 43% लोग जो लोअर हैं OBC में, यानी यादवों को छोड़ दीजिए, उस जाति में जो करीब 24-25 जातियां हैं, उन 24-25 जातियों में ये 43% लोअर जो हैं वो सपोर्ट करते हैं किसको, भाजपा को। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 14% अपर और 16% लोअर। लेकिन ये जो वोट प्रतिशत घटा और बढ़ा है अपर लोअर का, इसमें आप यादवों को एक जगह रख दीजिए, कुशवाहा को एक जगह रख दीजिए, कुर्मी को एक जगह रख दीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी के पास यदि नीतीश कुमार हैं तो कुर्मी कुशवाहा का वोट आता है, इसलिए नीतीश कुमार का वोट बैंक और इधर शिफ्ट होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। 2019 में अगर बात करें तो 41% अपर और 48% लोअर जो वोट बैंक है OBC का वो इधर शिफ्ट होता है। वहीं अगर बात करें तो 15% कांग्रेस को और 15% लोअर, यानी दोनों 15-15% शिफ्ट करते हैं, चूंकि कैडर वोट है और बहुत पुरानी पार्टी है। अब इस चीज को अगर ऐसे आप देखते हैं कि इसमें कुशवाहा, कुर्मी, सैनी, निषाद, साक, गैर यादव, जितने भी OBC के हैं, ये कोशिश करते हैं कि OBC में वो जहां यादवों का जमावड़ा है, जहां यादव हैं उनसे अगेंस्ट में वो रहें, क्योंकि असली लड़ाई इन्हीं लोगों की उस OBC वर्ग में है। अगर अधिकार छिनाता भी है तो इन्हीं का छिनाता है। इसके साथ साथ आप एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ समझ सकते हैं कि जो हमारे निजी कानूनों को लेकर के जो बातें चल रही है, जैसे आपने देखा होगा कि हम 3 तलाक की बात पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, 3 तलाक को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस 3 तलाक में पुरुषों की मानसिकता जो विरोध कर रहे हैं कि 3 तलाक क्यों खत्म कर दिया गया, हमारे निजी कानून में प्रवेश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन महिलाओं का अगर आप सुने, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, कई लोगों ने सवाल हमसे किया था कि ये आप कैसे कह सकते हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं बुर्का पहन के जा रही हैं वो भाजपा को ही वोट कर रही हैं। आप डंडा लेकर के बैठे रहिएगा, तलवार लेकर बैठे रहिएगा, उसके जीवन को मैंने समाप्त करने की कोशिश कीजिएगा, 3 तलाक का दंश झेलने के लिए करिएगा, तो उसी को लेकर के जो पुरुष वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और महिलाएं जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में खड़ी हैं। वहीं अगर बात करें तो दलित और अति पिछड़े जो समाज के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ स्विच करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लगातार स्विच कर रहे हैं। नीतीश कुमार यदि साथ में है तो नीतीश कुमार के साथ हैं, अगर नीतीश कुमार साथ नहीं है तो उसका कुछ प्रतिशत नीतीश कुमार के पास और अधिकांश प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक 2014 के चुनाव की अगर बात करें तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ी थी और उसका परसेंटेज हमने आपको बताया कि 34% था OBC का। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यादवों के बाद जो OBC हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए। इसको लेकर के जो कई योजनाएँ हैं, जिन योजनाओं की हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर मोदी नीतीश चिराग के 40 में 40 का दावा है तो क्यों है और इस दावे को क्या ये रोक पाएंगे, तो
तो इसके पीछे की कहानी आप समझ लीजिए, तो इस दावे को रोकना अभी तो तत्काल संभव नहीं लगता है। इसके लिए दो बातें फिर से मैं कहूँगा। पहला ये कि जो योजनाएं केंद्र सरकार ने लागू की हैं, उन योजनाओं से जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर लें, हालांकि बिहार में आधी आधी सरकार, इसलिए इसकी बात बहुत ज़्यादा नहीं की जा सकती है। नीतीश कुमार पर हमेशा ये आरोप लगता है, जब जब भारतीय जनता पार्टी इनसे अलग होती है तो नीतीश कुमार पर आरोप लगता है केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं होने देते हैं, जिससे कि केंद्र सरकार का ग्राफ बढ़े। इसको लेकर के जो अलग अलग तरह से, जहां एनडीए की सरकार नहीं है, जहां भारतीय जनता पार्टी की अकेली सरकार है, उन सरकारों में बहुत कुछ परिवर्तन आया है। उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, बिहार में चले जाइए, ग्रामीण इलाकों में चले जाइए, महिलाओं का जो हमने पब्लिक ओपिनियन कराया था उसमें राम जन्मभूमि, ट्रिपल तलाक, ये सारे मुद्दे, मुफ्त का अनाज, गैस सिलेंडर, वृद्धा पेंशन, लड़कियों को प्रोत्साहन राशि, महिलाओं को प्रसव के समय में जो विशेष सुविधाएं देने की बात की गई है उसकी बात कर लीजिए, उससे जुड़े हुए आयुष्मान कार्ड की बात कर लीजिए, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों के जहन में है और लोग ये सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है। इसके साथ साथ कई ऐसी चीज़ें हैं, लगभग आप 100 से ज़्यादा ऐसी विधाएँ हैं, 100 से ऐसी कारीगरी है जिसमें चाहे वो सोनारी का काम कीजिए, लोहारी का काम कीजिए, बढ़ई का काम कीजिए, टायर बनाने का काम कीजिए, सबके लिए सरकार ने विश्वकर्मा योजना स्टार्ट किया है, जिस योजना का लाभ लोग उठाने लगे हैं और उसमें कोई जाति पाति नहीं हो रही है। ये पूछ करके नहीं कि आप यादव हैं, कि आप मुसलमान हैं, आप ब्राह्मण हैं, कि आप कौन सी जाति के हैं, अति पिछड़ा है, पिछड़ा है, नहीं पूछा जाता है। वो सीधा आप जाते हैं, वहाँ अपना हुनर बताते हैं और हुनर के बदले में आपको सरकार सब मदद करती है। तो 40 की 40 सीटों पे अगर तेजस्वी, राहुल और सहनी की तिकड़ी चाह भी दे तो जो शुरू से चल रहा था वो होने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत स्विच कर सकता है, लेकिन पूरा का पूरा अगर ये कहिएगा कि आपके पास कोई नेता भी नहीं हो, न नेतृत्व हो, न राजा हो, न लड़ने वाला सेनापति हो, तो ऐसी स्थिति में आप जिसके पास सब कुछ कैलकुलेटेड है, जिसका नेता तय है, उससे लड़ाई कैसे लीजिएगा? उसके बाद ये जो घटता हुआ आपका आंकड़ा है, ये बता रहा है कि आपकी बेचैनी कहाँ बढ़ी हुई है, और यही कारण है कि जातीय गणना जो है उसको ठंडे बस्ते में क्यों रखा गया है। हम बात कर रहे थे महाभारत 2024 और उसमें हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे बाबा से, जो आखिर 40 की 40 सीट का जो दावा एनडीए कर रही है, क्या ये तीनों टिकरी उसे रोक पाएगी? जो बाबा ने उत्तर दिया आंकड़ों के हिसाब से, उससे तो लगता है जो ये अभी संभव नहीं है, क्योंकि पिछले 20 साल का डाटा यही बता रहा है कि 2014 से ओबीसी का जो वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट किया है बहुत तेज़ी से। क्षेत्रीय दल का भी प्रभाव घटा है, और कहें जो, और सबसे ज़्यादा प्रभाव घटा है कांग्रेस का। कांग्रेस तो एक तरह से कहें एकदम हाशिए पर चली गई है, इसीलिए अभी ये संभव नहीं लगता वर्तमान परिवेश में। जो भी जातीय समीकरण है, जातीय गणना के बाद समीकरण और टाइट हो गया है, और लोग जुट गए हैं दूसरे से, और नेता इसी का फायदा उठाना चाहते हैं। जो सबसे अधिक जिस जात के गणना हुई है, जिस जात के लोग हैं, उसी के नेता को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए ये 40 सीट पर का जो आकलन है, जो एनडीए के 40 सीट को ये लोग रोकने के लिए तैयार हैं, ये अश्वमेध का घोड़ा छूट चुका है, अब ये नहीं रुक सकता है। हम एक बात और चलते चलते कहना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे भारत लाइव के दर्शकों से कि आपका एक और चैनल भारत लाइव बिहार झारखंड, जहां आप ताज़ा खबरें और ब्रेकिंग खबरें आप देख सकते हैं, वहां आप जाइए, स्विच कीजिए, और वहां भी अपना प्यार स्नेह जो देते रहे हैं वो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जो ब्रेकिंग खबरें हैं उसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी, बिहार और देश दुनिया से जुड़ी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना।